मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक बॉडी तब भी अच्छी लग रही है, अभी बहुत कुछ बाकी है। साढ़े करने आया हूँ एज यूजुअल, कॉफ़ी लगा, कॉफ़ी पी के और फटाफट कार्डियो शुरू कर दिया। 1 घंटे का कार्डियो एंड देन साइट्स, कार्डियो एंड साइट्स। तो 1 घंटा 15 मिनट में मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ निपट जाना चाहिए। बेल्ट बांधते हैं एंड कार्डियो शुरू करते हैं। ये बंध ली है बेल्ट और इसे पहनने कार्डियो करना करते हैं चालू। कार्डियो और प्रोटीन चल रहा है, 1 स्कूप प्रोटीन, आजकल 3 स्कूप प्रोटीन पी रहा हूँ। और काब्स कर रखे हैं 180-190 आसपास काब्स हैं, आई थिंक मैं चेक करके बताऊँगा, 190 है शायद काब्स। तो 190 काब्स, 210 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन माई बॉडी फिलहाल के वक्त। और कर रहे हैं 1 घंटे का कार्डियो एंड अभी साइड्स भी गई थोड़ी सी। अरे बहन जो दाढ़ी भी आ गई यार, मतलब मेरे इतने क्या करूँ भाई, इतना ही आती है। तो भाई नहा धो के शेव वेव करके राजा बाबू बन चुके हैं, अब जाएंगे मील लेने। पहली मील, मतलब पहली तो मैं ले चुका हूँ शायद, प्रोटीन को भी मील में गिनता हूँ। हाँ, तो 1 प्रोटीन शेक ले चुके हैं 1 स्कूप। अब उसके बाद मैं लूँगा 10-12 एग वाइट्स विद 150 ग्राम्स ऑफ राइस, थोड़ी सी दाल और थोड़े से कर्ड के साथ खा के निपटा देंगे। फिर उसके बाद सेकंड मील भी एग्स एंड राइस होगा, थर्ड मील मेरा ओट्स होगा, फिर फोर्थ मील सिर्फ एग वाइट्स होगा और फिफ्थ मील एक प्रोटीन शेक पी के हम फिर सो जाएंगे। दैट्स द थिंग, एग राइस, एक ओट्स मील और 2 प्रोटीन शेक्स एंड फाइबर्स के लिए थोड़ी सी सब्जियाँ और बीट रूट फ्रूट्स ऐसे टाइप्स। तो ये चल रहा है फिलहाल, राइस, एग्स, थोड़ी सी दाल और 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी इसलिए है कि मैं इसे नीचे गटक लूँ, कोई खाया तो जाएगा नहीं, कितना खा लेगा आदमी। दिन में सारी मील्स ही एग राइस है, एक मील सिर्फ एग्स है और एक मील जो मुझे सुकून देती है वो है ओट्स मील। सोचो, ओट्स मील सुकून दे रही है तो किस लेवल पे हो अब तुम सोचो। माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है भाई। लोग कहते हैं ये लगा लो बॉडी बन जाएगी, वो लगा लो बॉडी बन जाएगी। अरे वो लगाने के बाद ये खाओगे कैसे, ये गले के नीचे उतारोगे कैसे? सो अब फॉर द थर्ड मील ऑफ द डे, अगेन एग्स, राइस एंड बहुत ही थोड़ी सी दाल। ये सब खा खा के ना मेरी अंदर मेरी ना फूड की क्रेविंग मर गई है। मुझे क्रेविंग ही नहीं होती है, मतलब ऐसा होता है कि एक भैंस है ना, उसे चारा खिलाया जा रहा है, वैसे ही हो रहा है बस जीवन में। तो मैं उठता हूँ, ये खाना शुरू करता हूँ और इसके साथ खाते खाते सो जाता हूँ। और उसके बाद फिर सुबह उठ के जब फिजिक देखता हूँ कि कैसे चेंज हो रही है डे बाय डे, मज़ा आ जाता है। सो फाइनली कैम टू द जिम, ओट्स वाली मील खा के जिम आ चुके हैं, अपना ये प्री वर्कआउट पी रहे हैं इसमें और आज करेंगे बैक का एक बहुत अच्छा सा वर्कआउट आएंगे, बैक एंड आर्म्स, कार्डियो एंड साइड्स में सुबह ही कर गया था। तो चलो वर्कआउट शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप देखो, मजे करो, एंजॉय करो।
don't even care. I want you to listen to what I say. I love you, but it's so confusing. I'm winning at the same time losing. I love you, but it's so confusing. I'm winning at the same time losing. वाटर बॉटल, ये मत देखो तुम। हाँ, वाटर बॉटल, एक लीटर पानी और अंडे, ये 10 एग वाइट्स होंगे। प्याज है नॉर्मल। तो ये खाना अब खाया, थोड़ी सांप निकलेंगे इसे निकलते हैं, और मैं चू करके निकलता हूँ अच्छे से, मतलब च्यू करूँगा और निकल जाऊँगा। क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल है, एनर्जी लेवल्स लो हैं, बट या मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर है। मैनी वीक्स टू गो, अभी तो सेकेंड वीक ही ख़त्म हुआ, थर्ड वीक चालू हुआ है। एंड एक ट्रिप आ रही है, इंटरनेशनल है, इसीलिए ये प्रेप भी करी गई थी। प्रेप से बात करूँ तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ कि आई एम नॉट अ नेचुरल एथलीट। येस, आई टेक PEDs, तभी मैं 85 kgs, 86 kgs पर लीन रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आप देख सकते हो, मैं 84-85, मैं लास्ट कट में जो था मैं 82 kgs पे 7-8% बॉडी फैट पे था। अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ, क्योंकि नॉट दैट मच टाइम मेरे को हुआ है इन चीज़ों में गुजरे, बट येस मैं जेन्युइन रहूँगा, फेक नैटिव वाला मेरा काम नहीं है। इट जस्ट कि मैंने कभी बताया नहीं खुल के, बट येस आई टेक सम सॉर्ट ऑफ स्टफ, बहुत ही लाइट, मतलब नॉट दैट बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर वाला स्टफ, बट बहुत लाइट स्टफ, बहुत ही लाइट। एंड प्रॉपर कोच, जैसे कि मैं अपने कोच को बार बार मेंशन भी करता हूँ, तो इज़ अ प्रोफेशनल PEDs कोच एंड ए सर्टिफाइड कोच। तो येस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, एंड मेरे पास इस चीज़ के बहुत सारे रीजंस हैं। तो प्लीज़ आप लोग डोंट बी गेट मोटिवेटेड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई स्पेंड लाइक हेल लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, मतलब मैं बहुत ही अंधा पैसा इस पर खर्च करता हूँ। मतलब इन द एंड ऑफ द टाइम मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचते, इन द एंड ऑफ द मंथ कोई पैसा नहीं बचता। एंड दिस टेक्स डिसिप्लिन, नो डेट्स, नो गर्ल्स हुकिंग अराउंड अप, कोई लड़कियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं। डेडिकेशन टू योर वर्क, सुबह कार्डियो, तो मतलब सुबह कार्डियो। आई डू पार्टीज बट नो अल्कोहल, नथिंग, ठीक है। आई डू अ हेल लॉट ऑफ पार्टीज, ठीक है, बट नो अल्कोहल, नथिंग, नो नॉट इवन टचिंग अल्कोहल। तो यस, एंड द फोर्थ स्टेप इज कि भाई द डाइट यू हैव टू टेक, डाइट। एंड फिफ्थ, यू हैव टू बी अ गुड कुक, बिकॉज सारा खाना खुद बनाना है। आई एम डूइंग इट, एंड लेट्स सी।